ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिनको राजाओं जैसा सुख मिलने वाला है। पुत्र और धन की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की कृपा से इनके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैं प्रत्येक वीडियो डालता हूँ, पंचांग के हिसाब से डालता हूँ, राशि नाम के हिसाब से डालता हूँ। जैसे आपका नाम है, नाम के हिसाब से जो राशि बैठ रही है उन राशियों के हिसाब से मैं आपको नॉलेज देता हूँ। इसमें कुंडली के हिसाब से नॉलेज नहीं देता। और लग्न के हिसाब से जिनकी भी लग्न है, ये राशियाँ हैं, उनका भाग्य मैं बताता हूँ, फलादेश करता हूँ। क्योंकि डेट बर्थ सभी की नहीं होती, किसी के पास नहीं होती, इसलिए नाम राशि के हिसाब से ही प्रत्येक ज्योतिषाचार्य ज्योतिष बताता है। कई बार मैं वीडियो डालता हूँ और उसमें वीडियो पूरा देखते नहीं, कहते गुरुजी हमारी राशियों के बारे में आपने नहीं बताया, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा होने वाली है इन राशियों पर, क्योंकि योगी ऐसे बन रहे हैं और हर प्रकार तरफ से कामयाबी मिलने वाली है। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक शुभ कार्य के पीछे अड़चने भी छुपी हुई होती हैं। आपका योग अच्छा बन रहा है तो आप बिल्कुल योग के भरोसे ना बैठें, अपने कर्म भी करते रहें, साथ में भगवान की पूजा भी करते रहें, यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पुत्र की प्राप्ति होगी और 85% पुत्र की प्राप्ति होगी, जो राशियां मैं बता रहा हूं इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। और पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई भी आप कर सकते हैं, इन महीनों में कोशिश कर सकते हैं। धन की प्राप्ति होगी, नए रास्ते खुलेंगे व्यापार के, आमदनी क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। और जिनकी नौकरी में अड़चने आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वो नौकरी की परेशानियां दूर होंगी। और कई ऐसे कार्य थे आपके अधूरे पड़े हुए थे, वो पूरे होंगे। धन का आगमन था, अवरुद्ध था, वह धन का आगमन खुलेगा। अगस्त का महीना और अक्टूबर का महीना, ये दो महीने ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। और अगस्त में कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली, यानी भगवान श्री कृष्ण का ये महीना है पूरा। और 12 राशि वालों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। जो अगस्त का महीना रहेगा ये 12 राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। जैसे ग्रहण की स्थिति बदलती है उसी प्रकार से ग्रह दृष्टियां डालते हैं। और जिनकी शुभ ग्रहण की, जिन राशियों के ऊपर दृष्टि होती है, उन राशियों का भाग्योदय होता है। तो अगस्त और अक्टूबर में बहुत बढ़िया योग है। और ये समझ लीजिए कि जुलाई के बाद से ही, 1 अगस्त से ही, 31 जुलाई से ही इन राशियों का भाग्योदय शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में 2021 तक भाग्य अच्छा ही रहेगा। अब 2021 का भाग्य अगले पंचांग में पता चलेगा। तो दोस्तों, आप एक चीज का ध्यान रखें कि मैं जो राशियां बताऊंगा, कौन कौन सी शुभ राशि हैं, इनका कुछ उपाय भी बताऊंगा, इन राशियों को क्या करना है, तो वह भी आप करते रहें। श्रावण मास का महीना चल रहा है, महाकाल का दिन चल रहे हैं, उसके बाद में भगवान विष्णु के दिन आएंगे, तो ये महीने जो है बहुत ही अच्छे आ रहे हैं हर राशि वालों के लिए। भगवान की कृपा से प्रत्येक कार्य का, आपका जो कार्य करने की आपकी क्षमता थी, आपकी सोच थी, आपका आत्मबल था, उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और आपके दिमाग में जो टेंशन थी या शारीरिक कोई परेशानी थी, तो सारी परेशानियां अब दूर होंगी। अभी फिलहाल में कर्क राशि में सूर्य चल रहे हैं, उसके बाद में फिर सिंह राशि में आएंगे, बुध का परिवर्तन होता रहेगा, शुक्र अपने राशि परिवर्तन करेंगे, शनि मकर राशि में ही चलेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में आएंगे। और ये 5 साल इन दो राशियों पर दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि की। दोस्तों, कन्या राशि का जो अगस्त का महीना है, 2 अगस्त से लेकर के 16 तक बुध लाभ स्थान में है, 15 तक मंगल की दृष्टि रहने से नौकरी में पदोन्नति, ध्यान रखना नौकरी में बढ़ोतरी होगी, रुकावटें दूर होंगी,
कार्य व्यवसाय में आय की बढ़ोतरी होगी और सात से बुध द्वादश में होने से व्यवसाय में और आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा, तो थोड़ी सी नरमाई भी रहने वाली है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का अगस्त का महीना कैसा रहेगा? पूर्वाद में स्वास्थ्य में गड़बड़ी, रक्त विकार, नेत्र पीड़ा हो सकती है। 16 से मंगल स्वग्रह दृष्टि से नए उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बनेंगे, यानी 16 अगस्त के बाद में आपका भाग्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों का। पुत्र के तो योग इनके ही हैं, बाकी और बातें मैं बता रहा हूं जो जरूरी बातें हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। सूर्य का संचार बहुत ही अच्छा है। सूर्य बुध का संचार होने से घरेलू आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, थोड़ी सी परेशानियां बनी रहेंगी। क्रोध एवं उत्तेजना से बचें, मानसिक तनाव व क्रोध की भावना अधिक रहेगी। भाई बंधु से मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है और मास आरंभ में आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी अच्छे कार्य आपके शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की, जिसमें शनि का संचार चल रहा है। मकर राशि, सरकारी क्षेत्रों में रुकावट पैदा होने की संभावना जो थी वो दूर होगी। कुछ कार्यों में रुकावट भी आएगी। आय के साथ साथ खर्च भी अधिक होंगे। वृथा मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में थोड़ी सी फायदा होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आपका कोई स्वास्थ्य में परेशानी आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें आपको सुधार होगा और बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। धनुराशि, कठिन परिस्थितियों के बावजूद निर्वाह योग आय के साधन बनेंगे। परिवार में स्वास्थ्य की व्यवस्था अधिक रहेगी। निकट भाई बंधुओं से मनमुटाव पैदा होगा। उर्दाद में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी। धार्मिक कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी। धन का आगमन अच्छा होगा। भगवान के आगमन में जो रुकावटें थी, वह सारी रुकावटें आपकी अब दूर होने वाली हैं, तो बहुत ही अच्छा भाग्य रहने वाला है धनुराशि का। 15 तक मंगल द्वादश होने से पारिवारिक उलझने, अकस्मात खर्च, अत्यधिक कठिन संघर्ष के बाद धन लाभ होगा। 10 अगस्त से मंगल स्वग्रह मेष में होने से निर्वाह योग धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु मनोरंजन एवं विलास आदि कार्यों पर धन भी खर्च होगा। यानी सीधी सी बात है, आपके पास धन अधिक आएगा तो आप धन ही उल्टे सीधे कार्यों में खर्च करेंगे। इसलिए मेष राशि वाले सावधान रहें और भगवान की तरफ ध्यान रखें, धन ज्यादा आने पर अवमान ना करें। वृषभ राशि, अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। कुछ आर्थिक परेशानियां बनेंगी, मानसिक तनाव रह सकता है, निकट बंधुओं से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सिर दर्द, नेत्र आंखों में कष्ट की संभावना रह सकती है। महाकाल की पूजा करें, भगवान शिव जी की आराधना करें, धन और पुत्र के आपके पूरे योग बने हुए हैं, यानी आपको यहां तक है स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और धन और उसके योग आपके अच्छे बने हुए हैं, महाकाल की पूजा करते रहें। मास आरंभ में यद भी गुरु की दृष्टि होने से धर्म कार्य की ओर रुचि होगी एवं किसी शुभ कार्य पर धन खर्च होगा, परंतु सूर्य द्वादश होने से कठिनाइयों से धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। 16 के बाद दैनिक कार्यों में, सरकारी क्षेत्रों में रुके हुए कार्यों में आपकी जो परेशानियां थी वो दूर होगी, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह राशि में, तो बहुत ही अच्छा सिंह राशि का रहने वाला है भाग्य। अब बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र भाग्यस्थ होने से विशेष संघर्ष एवं परिस्थितियों के बावजूद आय की में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परंतु राहु युक्त होने से कुछ कार्यों में विलंब भी हो सकता है, तो आपको भगवान की पूजा करनी है महाकाल की। थोड़ी सी सफलता तो थोड़ी सी रुकावटें आपकी सामना करने के लिए तैयार हैं, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की।
शुक्र राहु योग रहने से पारिवारिक एवं आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। गुप्त परेशानी, शत्रु भय, शारीरिक कष्ट, अनावश्यक कार्यों पर धन खर्च होगा, पेट विकार, स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। भगवान गणेश जी की पूजा करें। धन और पुत्र के योग हैं, लेकिन इन चीजों का भी साथ में विशेष ध्यान रखना है आपको। जय श्री कृष्ण।